हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। इंडियन टू व्हीलर मार्केट में यामा की तरफ से हर सेगमेंट की बाइक अवेलेबल है और आज 13 फरवरी 2023 को यामा की तरफ से हर सेगमेंट की अपग्रेड वर्जन को आज रीलॉन्च कर दिया गया है यामा की तरफ से। ऑफिशियली फर्स्ट बाइक हुई थी यामा की तरफ से आज लॉन्च, FGS FI B4। सेकेंड हुई थी FGX जो कि रेटो सेगमेंट की है। एंड थर्ड हुई थी लाइक MT15 वर्जन 2.0 जो कि 2023 के अंदर अपग्रेड करके यामा ने लॉन्च किया है। एंड फोर्थ बाइक थी यामा R15 M और N, फिफ्थ बाइक थी दोस्तों यामा की R15 B4। इन पांचों वेरिएंट के लाइक अपग्रेड मॉडल को आज यामा ने ऑफिशियली जो है लॉन्च कर दिया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट में। इनके कलर्स रिवील कर दिए हैं, इनके अंदर क्या क्या अपग्रेड किया है वो सारी चीजें रिवील कर दी हैं, साथ ही इन फाइव बाइक्स के प्राइस भी जो है रिवील कर दिए हैं। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि FGX के अंदर क्या चेंज है, FGS FI B4 के अंदर क्या चेंज है, साथ ही MT के अंदर क्या चेंज है, इनके क्या प्राइस हैं, क्या कलर हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर इन पांचों बाइक्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देने वाला हूं कि इन पांचों बाइक्स के अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, साथ ही क्या फीचर न्यू ऐड करे गए हैं, एंड बाइक के प्राइस क्या हैं, एंड क्या न्यू कलर स्कीम है। सबसे पहली बाइक जो आज लॉन्च की थी यामा की तरफ से FGS FI जो कि B4 है डीलक्स वर्जन का, ओके। तो इस बाइक को यामा ने आज फर्स्ट लॉन्च किया था सबसे पहले। दोस्तों बाइक के अंदर आपको मेजर चेंज क्या देखने को मिलते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले बाइक के अंदर आपको लाइक फ्रंट में लाइक हेडलाइट जो है वो बिल्कुल ही आपको यूनिक देखने को मिलती है, ब्राज़ील वाले मॉडल से भी और जो इंडियन टू व्हीलर मार्केट में लाइक करंट मॉडल था उससे भी आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। आप ऑफिशियल वीडियो के अंदर देख भी पा रहे होंगे। बाइक के अंदर आपको न्यू डिज़ाइन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी शार्प फिनिशिंग के साथ है। बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, इंडिकेटर्स बाइक के अंदर ऐड कर दिए गए हैं, साथ ही बाइक के अंदर आपको यूनिक टाइप की DRL भी देखने को मिलती हैं। टेल लाइट आपको MT15 वाली देखने को मिलती है। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फीचर में ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर जो है ऐड कर दिया गया है। बाइक के अंदर जो मेजर चेंज है वो आपको यही देखने को मिलते हैं। एंड बाइक के अंदर आपको मोबाइल कनेक्टिविटी वाले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले सारे कनेक्टेड फीचर भी ऑफर किए गए हैं। बाकी बाइक के अंदर आपको कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। कलर स्कीम बाइक के अंदर आपको तीन देखने को मिलती है, फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस भी आप देख पा रहे होंगे, 1,27,400 की ये बाइक आपको एक्स शोरूम पड़ने वाली है, जो कि लाइक अफोर्डेबल प्राइस के हिसाब से बाइक के अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर प्रोवाइड करा दिए गए हैं FGS FI B4 के अंदर जो कि डीलक्स वर्जन है इसका। और बाइक के अंदर आपको काफ़ी शार्प इंडिकेटर जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, ओके। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि नेक्स्ट बाइक लॉन्च की है। नेक्स्ट बाइक लॉन्च की है यामा की FGX जो कि रेट्रो सेगमेंट की बाइक है। इस बाइक के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलेंगे वो आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बाइक के अंदर फर्स्ट जो है अलॉय व्हील कलर दे दिए गए हैं ब्लू कलर के अंदर, जो कि मैट ब्लू कलर इस बाइक के अंदर आपको प्रोवाइड कराया गया है न्यू, जिसके अंदर आपको अलॉय व्हील कलर देखने को मिलते हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी बाइक हो जाती है। साथ ही बाइक के अंदर आपको ऑल LED लाइट्स का सेटअप देखने को मिल जाता है, ओके। ओवरऑल आपको फर्स्ट चेंज देखने को मिल गया कलर, एंड सेकंड मिल गया आपको डुअल चैनल ABS, थर्ड मिल गया आपको LED इंडिकेटर, साथ ही बाइक के अंदर आपको फोर्थ मिल जाता है ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर। ओवरऑल आपको यामा की FGX के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर भी देखने को मिल जाता है। तो इस बाइक के अंदर यही मेजर फोर चेंजेस हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। आपको लाइटिंग ऑल LED लाइट का सेटअप देखने को मिलता है, एंड बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड कलर स्कीम, और बाइक के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर हैं, और बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या ही बात करूँ। इस बाइक के अंदर आपको ऑल मेटल देखने को मिलता है, बाइक के अंदर आपको कोई भी विंड वाइजर देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी फीचर्स बाइक की लीक हुई थी जिसके अंदर विंड वाइजर दिखाया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइक के अंदर आपको विदाउट एनी विंड वाइजर के आपको इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं। बाकी यामा की FGX का आपको अपग्रेड मॉडल कैसा लगा, कौन कौन इस बाइक को परचेस करेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्राइस के बारे में बात करें, इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें दो वेरिएंट के प्राइस आपको सेम देखने को मिलते हैं, एंड एक वेरिएंट के प्राइस आपको थोड़े से डिफरेंट देखने को मिलते हैं, जो कि आपको न्यू कलर देखने को मिलता है उसके प्राइस उसी की वजह से आपको इंक्रीज देखने को मिलते हैं। लाइक डार्क मैट ब्लू कलर के प्राइस आपको 1,36,900 के आसपास एक्स शोरूम पड़ेगी दिल्ली के अंदर। वहीं मैट कॉपर एंड मैट ब्लैक ये दो कलर आपको पहले भी देखने को मिलते थे, इनके प्राइस आपको 1,35,900 देखने को मिलेंगे।
तो बाइक अपने प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से और फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। रेट्रो टाइप की कोई भी बाइक परचेस करना चाहते हैं आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्रीमियम फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं थर्ड बाइक के बारे में जो कि यामा की तरफ से लॉन्च की गई थी। ऑलरेडी आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही थी इस बाइक की और अभी भी है, जो कि MT-15 V2 है, जिसके अंदर फीचर बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 2022 के अंदर MT-15 V2 के अंदर, तो वो जो है काफ़ी अच्छे फीचर बाइक के अंदर प्रोवाइड करा दिए गए। इस बाइक के अंदर आपको फर्स्ट मेजर चेंज देखने को मिलता है डुअल चैनल ABS का ऑप्शन, जो कि बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे V2 के अंदर, जो कि अब जो है हमारे 2023 के अंदर V2 को अपग्रेड करके इस बाइक के अंदर डुअल चैनल एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम का ऑप्शन प्रोवाइड करा दिया गया है। सेकंड मेजर चेंज बाइक के अंदर आपको LED इंडिकेटर जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं फ्रंट में और रियर में दोनों में। तो ओवरऑल बाइक के अंदर आपको लाइटिंग सेटअप ऑल LED देखने को मिलता है अब। साथ ही बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऐड कर दिया गया है बाइक के अंदर। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको तीन जो है मेजर चेंज देखने को मिलते हैं एंड आपको एक जो है ब्लैक कलर के अंदर सिर्फ जो है रेड नियॉन कलर के अलॉय व्हील जो है प्रोवाइड कराए गए। ओवरऑल इस बाइक के अंदर आपको चार मेजर चेंज देखने को मिलते हैं, ब्लैक कलर के अंदर रेड नियॉन कलर के अलॉय व्हील जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। साथ ही बाइक के अंदर आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, TC का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ABS देखने को मिल जाता है। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको सेम यही चेंजेस देखने को मिलते हैं, बाकी सेम टू सेम एज इट इज बाइक आपको वही देखने को मिलती है। सेम पिलियन सीट, सेम टायर सेक्शन, सेम आपको वही लुक डिजाइन देखने को मिलता है, सेम आपको लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। ओके, बाकी इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। बात करें प्राइस के बारे में तो इस बाइक की प्राइस आपको ये देखने को मिलेंगे जैसे कि आप फोटो के अंदर देख पा रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अपग्रेड मॉडल के अंदर आपको सिर्फ जो है ब्लैक कलर के अंदर रेड नियॉन कलर के अलॉय व्हील चेंजेस देखने को मिलते हैं, बाकी आपको कोई भी कलर स्कीम में आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वही फर्स्ट आपको सियान स्टॉर्म एंड रेसिंग ब्लू, आइस फ्लू वर्मिलियन एंड मैट ब्लैक देखने को मिलेगा, जो कि इस बाइक के अंदर आपको रेड नियॉन कलर के जो अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं। प्राइस आप देख ही पा रहे होंगे, बाइक के अंदर आपको प्राइस जो देखने को मिलते हैं 1,68,000 देखने को मिलेंगे एक्स शोरूम। तो दोस्तों इस बाइक के प्राइस जो है 3,000 या फिर 3,500 आपको इंक्रीज देखने को मिले हैं, बाकी बाइक के कोई ज़्यादा प्राइस जो इंक्रीज नहीं हुए हैं, बट फीचर आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। डुअल चैनल ABS का ऑप्शन, साथ ही आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ABS एंड आपको कलर थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिल जाते हैं। ओके, बाकी इस बाइक को आप परचेस कर सकते हैं। एंड अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट बाइक के बारे में जो कि रहती है यामा की R15M। इस बाइक के अंदर आपको काफ़ी मेजर चेंज देखने को मिले हैं। दोस्तों फर्स्ट चेंज मिला है बाइक के अंदर आपको, पहला चेंज जो है मेजर 5 इंच का TFT कलर डिस्प्ले आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है इंस्ट्रूमेंट। साथ ही बाइक के अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन पहले भी देखने को मिलता था, अब भी मिल रहा है। साथ ही बाइक के अंदर आपको मेजर चेंज जो देखने को मिले हैं TFT कंसोल एंड बाइक के अंदर आपको LED इंडिकेटर प्रोवाइड कराए गए हैं। और बाइक के अंदर आपको कोई खास जो है मेजर चेंज नहीं देखने को मिला है, उसी हिसाब से बाइक के प्राइस भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम इंक्रीज किए गए हैं। जैसे कि ये बाइक आपको पहले 1,90,400 के आसपास पड़ती थी, लेकिन अब ये बाइक आपको एक्स शोरूम 1,93,000 के आसपास पड़ने वाली है। तो इस बाइक को भी आप परचेस कर सकते हैं। बात करें यामा के R15 V4 वर्जन के बारे में, इस बाइक के अंदर आपको सिर्फ जो है कलर स्कीम में चेंजेस देखने को मिला है, बाकी OBD सेंसर ऑफर कर दिया गया है इस बाइक के अंदर। ओके, बाकी इस बाइक के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है यामा R15 V4 के अंदर भी। बाकी बात करें प्राइस के बारे में तो ओवरऑल बाइक के अंदर आपको तीन कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं। रेसिंग ब्लू के प्राइस आपको 1,85,900 पड़ने वाले हैं। डार्क नाइट, जिसके अंदर आपको जो है कलर्ड गोल्डन कलर के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं, उसके प्राइस आपको 1,000 इंक्रीज देखने को मिलते हैं 1,81,900। साथ ही मेटालिक रेड की प्राइस आपको 1,80,900 ही देखने को मिलेंगे। ओवरऑल बाइक के अंदर आपको स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले पहले फीचर देखने को मिलते थे और अब भी मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों इंस्ट्रूमेंट कंसोल में आपको यामा R15 V4 के कोई भी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, बाकी एज इट इज़ बाइक आपको यही देखने को मिलती है। सिर्फ आपको बाइक के अंदर जो है अपग्रेड के नाम से सिर्फ कलर स्कीम आपको चेंज देखने को मिलती है। ओके, बाकी दोस्तों ये पांचों बाइक आज ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी हैं। इन बाइकों से रिलेटेड मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर भी दे दी है, और अगर आप कोई डेडिकेटेड वीडियो अलग से चाहते हैं तो आपको मैंने ऑलरेडी YouTube चैनल पर डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका इन पांचों बाइकों से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली और एक ऐसी न्यू इंटरेस्टिंग और अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।